पूरी भक्ति बलिदान और त्याग तपस्या की नगरी चित्तौड़गढ़ से विश्व हिंदू परिषद श्री राम मंदिर निर्माण के लिए धन संग्रह के लिए मकर संक्रांति से माघ पूर्णिमा तक चलाएगा अभियान। देश भर के 11 करोड़ परिवारों को जोड़ने के उद्देश्य से व्यापक निधि समर्पण अभियान होगा शुरू। 5,23,395 गांवों तक 13 करोड़ परिवारों और 65 करोड़ हिंदुओं से होगा जनसंपर्क। चित्तौड़गढ़ विद्या निकेतन विद्यालय गांधीनगर में विश्व हिंदू परिषद क्षेत्रीय संगठन मंत्री गोपाल ने पत्रकार वार्ता कर बताया कि अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर निर्माण में आमजन की भागीदारी हो सके, इसको लेकर मकर संक्रांति से माघ पूर्णिमा तक धन संग्रह के लिए गांव-गांव जाकर जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत 6.5 लाख गांवों तक जाकर 13 करोड़ परिवारों और 65 करोड़ हिंदुओं से संपर्क करेंगे, जिसके लिए देश भर में 10 लाख टोलियां बनाई गई हैं। 40 लाख कार्यकर्ता जनसंपर्क कार्य में लगाए जाएंगे। 10, 100 व 1,000 रुपए की कूपन की रसीद लेकर गरीब से लेकर अमीर संपन्न परिवार तक उनकी शक्ति श्रद्धा और भक्ति के अनुसार सबसे सहयोग लिया जाएगा। नवबारा समाचार चित्तौड़गढ़ राजस्थान से दुर्गेश कुमार लक्षकार की खास रिपोर्ट। रामलला ने हटाया था, रामलला ने हटाया था, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, राम नाम राम से पावन हो, राम नाम से पावन हो, राम नाम से पत्थर तेरे, राम नाम से पत्थर तेरे, राम शक्ति से राम क्षेत्र संगठन मंत्री विश्व हिंदू परिषद राजस्थान तथा गुजरात। 500 साल के अनवरत संघर्ष के बाद अयोध्या के श्री राम जन्म स्थान पर भव्य श्री राम मंदिर आकार ले रहा है। इसके लिए 4.5 लाख से भी अधिक लोगों का बलिदान हुआ। आखिर आंदोलन, बाद में न्यायालय का संघर्ष के बाद 2019 नवंबर 9 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देकर श्री राम जन्म स्थान पर जो भाग है उसको उन्होंने राम का स्थान है ऐसा डिक्लेयर किया। उसके बाद केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास का गठन किया। उनके द्वारा अभी भव्य मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ हो रहा है। इस कार्य के लिए संपूर्ण भारत के हर राम भक्त से सहयोग मिले, इसका काम विश्व हिंदू परिषद उनके कार्यकर्ता के नाते, यानी राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के कार्यकर्ता के नाते हम काम कर रहे हैं। आने वाली जनवरी 15 मकर संक्रमण से लेकर 27 फरवरी माघ पूर्णिमा यानी रविदास जयंती तक हम एक बड़ा अभियान चलाएंगे। इस अभियान का नाम है श्री राम मंदिर निधि समर्पण अभियान। इस अभियान में संपूर्ण भारत के हर हिंदू के पास हम पहुंचेंगे, हर राम भक्त के पास पहुंचेंगे। गरीब से गरीब व्यक्ति भी 10 रुपए देकर अपना सहयोग दे सकता है। हर व्यक्ति अपने शक्ति भक्ति के आधार पर हमको सहयोग करे, यही प्रार्थना है। 10 रुपए, 100 रुपए, 1,000 रुपए के कूपन बनाए हैं और उससे ज्यादा देने वालों के लिए रसीद है। सब लोगों के सहयोग के प्रार्थी हैं। संपूर्ण भारत में 6 लाख गांव हैं। पहला लक्ष्य हमारा 4 लाख गांव पहुंचने का था, अभी बढ़कर के 5,20,000 गांव को जाने का संकल्प हमारा है और कम से कम 13 करोड़
परिवार तक हम पहुंचेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। सबको राम के साथ जोड़ेंगे, राष्ट्र के साथ जोड़ेंगे, राम मंदिर के साथ साथ राष्ट्र मंदिर का निर्माण होगा, यह हमारा विश्वास है।